अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट सना पट्टी। प्रोग्राम आज की बात समाज के साथ में। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं टोबा टैक्सिंग की तहसील पीर महल में, और आज हम पीर महल के लोगों की कॉमन सेंस चेक करेंगे कि टोबा पीर महल के लोग कितने ज़हीन हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हो भाजी। आप ये चूड़ियाँ सेल करती हैं? हाँ जी। अच्छा, ईद की आमद है, किस तरह से आपकी चूड़ियाँ सेल हो रही हैं? बहुत अच्छी हो रही सेल साढ़े, बहुत। अच्छा, ये कहाँ से लेके आती हैं आप चूड़ियाँ? मैं ले आती हूँ चीचा वतनी से। चीचा वतनी से? अच्छा, तो सेल आपकी कैसी? बहुत अच्छी सेल जा रही मेरी, बहुत अच्छी। जितनी ताड़ी देल असी बहुत अपनी मेहनत कमाते खाते, बहुत अच्छी जा रही। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सवाल है कि वो कौन सा जानदार है जो जल भी जाता है फिर भी जिंदा रहता है? वो कौन सा जानदार है जल जाता है जिंदा रहता है? कॉमन सेंस का सवाल है, सोच लें। इसके अलावा नहीं, यही है। हिंट है कोई? सोच लें, ज़हन पे जोर दे ना। जल जाता है जिंदा रहता है। और पैगाम देना चाहें आप? पैगाम सिर्फ आवाम को ये देना चाहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई आजकल, और जिसकी वजह से लोग खरीदो फरोख्त कम कर रहे हैं। पिछले साल अल्लाह का शुक्र है ठीक थी दुकानदारी, इस साल कोई इतना बेनिफिट नहीं है, और महंगाई की वजह से लोग ख़रीदारी बहुत कम कर रहे हैं। आपकी ये सेल नहीं हो रही फरोख्त? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस तरीके से पिछले रमज़ान लगा था उस लिहाज से वो चक्कर नहीं है ना जितना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बस गरीब बंदे हैं, सच्ची मेहनत है पूरी नहीं होती, पे उधार चक चक के वंगा रख के रोजी बैठते, वो भी पूरे नहीं होते। मम्मी, आपकी चूड़ियां सेल नहीं हो रही? सेल ही नहीं हो रही मेरी जी, तो पैसे अलग अलग सर ते चढ़े कल ना रोटी ना आटा ही नहीं मिले। ये कहाँ से चूड़ियाँ लेके आती हैं? तू अगला तू उधार चकी दा, पैसे नहीं पूरे होने अगले हम सिर पड़े कल ना रोजी दे बंदा आला कोया पिया। ये बच्चा आपका क्या लगता है? तो पूरा होता ना रोटी पूरी होती है, क्या करा शुक्र दी गोलियां नहीं पूरी। बच्चा क्या लगता है आपका? अपने को गरीब का बाप बीमार, इन्ना का मैं आप बीमार हाँ, शुक्र थी मरीज हाँ। गरीब अल्लाह राशन माई गुलाम जोरा खान जवान दिया, मैं बहुत जलील हो पाई हाँ। निके निके बच्चे मेरे पुत्र बीमार है, मुताज है। सुबह से आपके आप चूड़ियाँ लगा के बैठी हुई हैं, कब से यहाँ पे चूड़ियाँ लगा के बैठी हैं आप? काम मेरी दी है कोई ना, अगले सिर पड़ी जिन्हों का कर्जा चक के बैठी हैं। कब से लगाई हुई हैं आपने यहाँ पे चूड़ियाँ? नहीं, चूड़ियाँ दी सेल पूरी भी नहीं होती। नहीं, आपने कितने अरसे से यहाँ पे लगा के बैठी हैं? सारी उम्र दी लेके बैठी हैं मेरी दी, रोजी नहीं पूरी होती पाई गरीब बंदे दी। तो आप कोई और काम कर ले अगर आपकी नहीं सेल ना टोर नहीं सकती पैरा तो सो जा, शुक्र दी मरीज है मेरा बेटा। भाई, हमारा सवाल है कि वो कौन सा जानदार है जो जल जाता है फिर भी जिंदा रहता है? जल जाता है फिर भी जिंदा रहता है, है वो जानदार? जी, जल जाता है फिर भी जिंदा रहता है, पता नहीं। सोच ले, कॉमन सेंस का सवाल है। सही नहीं, कॉमन सेंस का है। एक चीज जानदार है, जल जाता है फिर भी जिंदा रहता है। जी, जल जाता है फिर भी जिंदा रहता है, पता नहीं, सॉरी। कोई और आप पैगाम देना चाहे? कोई नहीं, मैंने क्या पैगाम देना, बस यही है कि अपने आस पड़ोस ना गरीब लोगों का ख्याल करें, क्योंकि जाहिर है ऊपर से ईद आ रही है, ठीक है, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है, तो हमें चाहिए कि अपनी तैयारियों के साथ साथ गरीब और नादार लोगों का भी ख्याल रखें, बस यही है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, हमारा सवाल है कि वो कौन सा जानदार है जिसको कौन सा जानदार है जो मर भी जाता है, जल भी जाता है, फिर भी जिंदा रहता है? उसका सवाल का जवाब नहीं मेरे पास, सोच लें। सोच भी नहीं सकता। अच्छा, कोई महंगाई के बारे में पैगाम देना चाहें आप? हाँ जी, कोई और पैगाम देना चाहें? महंगाई के बारे में, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, कस्टमर आता इतना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉफिट इतनी काम में, हम क्या करें हम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। भाई, मैं आपसे सवाल करूँगी कि वो कौन सा जानदार है जल भी जाता है जिंदा रहता है? वो तो पता नहीं मुझे, तो सोच ले, उसका नहीं पता। पैगाम देना चाहें और आप?
वो बाजी पैगाम तो यही है ना आपके पास, जो इतनी महंगाई हुई पड़ी है बाजार में, कोई रजिए हालात हुए पड़े, कोई भी चीज़ लेता है वो कहता है इतनी महंगी हर चीज़ तो महंगाई हुई पड़ी है, कुछ भी वो नहीं है, मंत्री कोई बातचीत ऐसी नहीं है। अच्छा, आपका कारोबार पिछले साल बेहतर था या इस दफा बेहतर है? पिछले साल तो बहुत आवाम ज्यादा थी, अब तो बता दे लो सारा ऐसा होया पड़ा। वालेकुम अस्सलाम। वही मेरा सवाल है कि वो कौन सा जानदार है जो जल भी जाता है फिर भी जिंदा रहता है? ये इंसान जो आजकल जल ही रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। पिछले साल रमजान शरीफ में बहुत अच्छा काम था, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन गरीब आवाम जो है वो गरीब तबका है, 1000 में गुजारा ही नहीं हो रहा है, 500 में भी गुजारा नहीं हो रहा है गरीब आवाम का। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए और इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाए। आपका ये कारोबार कैसे जा रहा है, सेल हो नहीं रही आपकी? सेल में अभी इतनी है ही नहीं है, सेल सख्त ही नहीं है काम में, महंगाई इतनी हो गई है, बिल्कुल महंगाई बहुत हो गई है। एक चीज़ 500 वाली वो 1000 में हो गई है, 1000 वाली 2000 में हो गई है, समझ नहीं आ रही क्या करें, किराए खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे दुकानों के, बिल बिजली के पूरे नहीं हो रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुने लोगों के चटपटे जवाब। हमारा सवाल था कि वो कौन सा जानदार है जो जल कर भी जिंदा रहता है, उसका जवाब है जुगनू। वो जुगनू है जो जल कर भी जिंदा रहता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना भट्टी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ, अल्लाह निगेबान।